पानी गरम थी ना पे आलू मैं। ये देखे इतने बड़े बड़े आलू है, इस पे गैस कितनी जाया होनी थी। देखे बीच में कोयले रखे हुए थे, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे मेरे, क्या हाल है? ठीक, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, आप सब बहन भाइयों की दुआ है। तो जो हमारे चैनल पर न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अभी जो है ना शाम का टाइम है और हम जो है ना हल्का फुल्का रेडी हो चुके हैं। और अभी मैं पहले लेके आती हूँ वेपर, क्योंकि यहाँ पे ये सारा पानी है तो पहले पानी साफ करते हैं, उसके बाद जो है ना हम फिर करेंगे खाना पकाना स्टार्ट। तो अभी जो है ना सब्जी वगैरह मंगवा ली है, लेकिन खाना जो है ना सिस्टर ने कहा मैंने खुद बनाना है, वो अपने हाथों से बना के हमें खिलाएंगी। और अभी बॉयल करने के लिए भी खड़ा है और हम बना रहे हैं आज दम वाले आलू। अब वो हमें पता नहीं है कि सिस्टर ने कैसे बनाना है, देखेंगे फिर जो है ना हम भी ट्राई मारेंगे इंशाल्लाह। तो अभी पहले वेपर ले आते हैं, यहाँ पे जो है ना सफाई कर लेते हैं, उसके बाद आ जाए। वो कहाँ है हमारा वो चिंटू? ये जा रहा है, ये इधर से हम इसको लेके जा रहे हैं। तो जा रहा हूं, कहता है बाय बाय, शाम को ले आएंगे इसको। ओके जी, ओके। बेबी जाना है? बेबी नहीं जाना, वो नहीं जाता, वो जाना उधर जाना सारी दिक्कत जाता है। अरे जाने चले जाओ। तो हसन जाने की मैंने अभी लोगों को दे दिया, मैंने कहा इसको ले जाए क्योंकि हमारा शाम का टाइम और सब्जी वगैरह बनाएंगे ना फिर लेट हो जाएगी, जब तंग करता है बहुत ज़्यादा। तो ये ना अपने खाला के पास रहेगा, खेलता रहेगा और मैं जल्दी जल्दी चला काम शाम निपटा लूँगी। फिर अम्मी लोग कह रहे हैं शाम को जो है ना हम आएंगे, तो फिर मैंने कहा सफाई करके आ चुकी है यहाँ पे और किचन में। और जो हमने सामान मंगवाया है ना, ये देखें क्या क्या मंगवाया है। ये आधा किलो है ना, शायद आधा किलो है, आधा किलो कोयले, उसके बाद 3 किलो आलू मिट्टी वाले, उसके बाद जो है ना जीरा, और उसके बाद हल्दी, अजवाइन है वो, पर यार हमें तो नहीं पता ये क्या क्या जो है ना करेंगी, कैसे कैसे बनाएंगी। हमें उन्होंने कहा ये मंगवा दे, हमने मंगवा दिया। अभी एक चीज नहीं मिली, वो है आमचूर, तो वो नहीं मिला। वो कहते हैं वो आमचूर मंगवा दो, हमने छोले बनाने हैं, तो वो यहाँ पे मिलते ही नहीं है। और इसके बाद आधा किलो दही, तो अभी मैं ना इनको धो के फिर चढ़ा रही हूँ चूल्हे पे, इनको बॉयल करते हैं, उसके बाद जो है ना फिर देखेंगे कि क्या करना है आगे, क्योंकि जो सिस्टर मुझे बता रही है वो मैं काम कर रही हूँ। तो आप सब ने हमारे साथ जुड़े रहना है, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि वीडियो आज हमारी बहुत जबरदस्त और मजेदार होने वाली है। आलू हमने धोना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि माशाल्लाह से पूरे 3 किलो आलू है हमारे पास, तो अभी मैंने इनको धोना स्टार्ट कर दिया है। और धोने के बाद जो है ना हम इनको बॉयल करेंगे। तो हमारे पास कोई बड़ा बर्तन नहीं था, तो मैंने सिंक में डाल दिया है। इसमें हम बर्तन धोते हैं कौन सा, हम इसमें धोते हैं जाके और हमारे जनाब जो है ना पूरी रात नहीं सोए, तो सुबह नमाज अदा की, कुरान पाक पढ़ा, फिर जो है ना नाश्ता ले आए, फिर वो उसके बाद नाश्ता करके सोए हैं, तो अभी माशाल्लाह से सो रहे हैं, शायद करीबन शाम को ही जाके उठेंगे। कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, पानी भी ऊपर खड़ा दिया है, आलू भी मैंने धो लिए हैं। इधर से नंबरदार को दही और मंगवाने के लिए भेजा था क्योंकि दही बहुत कम थी। ईको क्या आता है और नमकदार जो है ना, ये देखे दही कम थी तो और ले आया, 100 किलो ले आया पूरे 100। और भाई और भाभी की जो है ना दावत है, भाई कहाँ पे दावत है बताया ही नहीं आप लोगों ने, जा रहे हो क्या?
लेकिन मैं तो नहीं तैयार हूँ, मैं तो वैसे का वैसा ही हूँ। ये तो तैयार है ना, अमन तैयार है, मैं जो वैसे का वैसा हूँ। तैयार होने के लिए और तुझे तो काम है तैयार हो। मर्दों का दिल नहीं होता, औरतों का ज्यादा दिल होता है। हाँ तो साल है रे, मर्दों का ज्यादा फैशन आया। खत्म नहीं, नहीं। जब आरो तैयार हो जाती है ना, मर्द खुद ब खुद जल्दी से फ्रेश होकर तैयार हो जाते हैं। हाँ भाई, मैंने सोनी सोनी लगती है तो मैं भी सोना। लेकिन जैसे समानी ने खुद मेहनत की, अपने आप को रेडी किया, प्यारी बनी, तो मर्दों का भी आके कि उधर से समानी प्यारी बनी, मैं खुद जाके अपने प्यारी बनी। नहीं नहीं, मेरे भाई वैसे भी प्यारी है। नहीं ये देखे ना, वैसे भी प्यारे है। बस ना भी तैयार हो सके, वैसे ही बहुत सोने माशाल्लाह। करे ना करे ना, वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारे हैं। तो बाकी में भाई का कहने का जो बाकी है ना, बाकी में सच है माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, पठान से हैं माशाल्लाह से। बात जो रह गई है, दावत है अकरम भाई के। अच्छा, उधर दावत है, उधर दावत है, काफी दिनों से जो है वो कह रहे थे और हम जो है ना वहाँ जा नहीं पाए, कभी इधर कभी उधर। सही, अच्छी बात। अकरम भाई लोग आ गए, दावत हो गई अकरम भाई के घर। मैं खुद भी भूरी थी भाभी की तरह, तो बाकी हम बच्चे और हमारे ये मेहमान घर वालों ने नहीं बुलाया तो हम कैसे जाएं? हम क्यों बिन बुलाए? हमें कोई दावत देगा तो इंशाल्लाह हम जरूर आएंगे। हम क्यों जूतियां खाने जाएं? देखे वो कह रहे हैं कि जब जो भी भाई हमें दावत देगा तो हम फिर जाएंगे, हम ऐसे नहीं जाते। तो सही है, चलो हम अपनी रेसिपी। अभी पहली दफा ना दावत बगैर दिए हम नहीं जा सकते, जब दोबारा आएंगे बगैर दावत के जाया करेंगे। फिर थोड़े फ्री होंगे, अभी नहीं हम फ्री होते। चलो सही है, चले आप अपनी रेसिपी की तरफ है। अभी हमारे काबले टायर्ड हैं, फ्री नहीं हुए। चले अगले बार जब आएंगे ना, काबले जो है ना वो ढीले होंगे, फिर जाएंगे सबके घर। अच्छा, इसको छीलना है या ऐसे डालना? छील देते हैं ना, फिर इस तरह जल्दी बॉईल होकर काट के डाल देना। ठीक है, बंद कर दे चूल्हा। चले जी, इसको फिर जल्दी से छीलना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने धो तो दिया था, छीला नहीं है। अरे भाई बाबा ने काट दिया ना, अल्लाह किसी प्यारी छुरी है फूलों वाली, जिमें फुलदार मेरे प्रात पर जाई ने हमें छुरी। अच्छा, सामने भी छुरी देना है हाँ। यहाँ पे जल्दी जल्दी यहाँ पे जो है ना हम आलू छीलना स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे पहले बताती ना, मैं जल्दी से छील भी लेती। मैंने कहा शायद ऐसे ही इस तरह जल्दी बॉईल हो जाएगी, उस तरह आप रखी रखेंगे बहुत देर लग देगी। दूसरी गैस तो नहीं है ना, ये सिलेंडर वाली है। सही है, ये देखे इतने बड़े बड़े आलू हैं, इस पे गैस कितनी जाया होनी थी, बहुत ज्यादा। अब मुझे बता देती तो मैं पहले कटाई कर लेती। वो मुझे ना अचानक से जहर में आया, मैं हमारी घर की दूसरी गैस है ना, फिर भी मैं कुकर में आलू बॉईल करती हूँ, हालांकि उसका इतना नहीं खर्चा। चलें अब इसको जल्दी जल्दी छीलते हैं, क्योंकि फिर मैं कहती हूँ चार टोटे करके डालेंगे, वो थोड़ी छोटी हो जाएंगे ना। नहीं छोटे डाल देंगे, जितने हमने बनाने उतने डालेंगे। चलो सही है, अल्हम्दुलिल्लाह आलू शालू छील लिए, और अभी जो है ना हम बैठ गए हैं वो इसीलिए क्योंकि हम वहाँ पे थोड़े थोड़े थक गए थे, इसीलिए हम नीचे आके बैठ गए और इतनी मजे का ठंडा ठंडा पास है ना, सुकून आ रहा है, मौसम चेंज हो गया, चेंज हो गया है। एक काम नहीं कर पाए हमारे घर जाने तक, ऐसे ही मौसम है इंशाल्लाह। आपको तो 2 महीने लगेंगे अभी इसमें, मुझे कराची ले जाए, 2 महीने क्या, 1 साल हुआ। कराची तो जाने नहीं देंगे और घर भी नहीं जाने देंगे।
कराची जाने का नाम ही लो, क्योंकि आपके भाई को मैंने कहा लाहौर और कराची चले, वो कहता है कराची और लाहौर ये दो शहर तो मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। लाहौर में क्या है पता नहीं। फिर मैंने कहा अगर आप मुझे वो मुझे नहीं जाने देंगे मैं आपको नहीं जाने दूंगी। कितने तेज हो दोनों भाई, जो मैंने अहमद भाई को मना लिया जाने के लिए फिर तो फिर हम भी मान जाएंगे। फिर तो सही दो महीना था खेलने गड्डी अपनी, मैं तो मेरा भाई जाएंगे। हाँ जाओ, जाओ बच्चे भी सामो सारा कुछ सामो, बच्चे तो अपने लेके जाएगी, बच्चे क्या बात है, बच्चे तो अपने लेके जाएंगे साथ। इनको पता लगे बच्चे कैसे संभालते हैं, हर 10 मिनट बाद तो इनको देखते हो। हाँ तो माँ का हक है ना ये सारा कुछ करना, माँ का हक है, माँ की भी तो कोई जिंदगी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह मेरे बच्चों को जिंदगी दे, सबके बच्चों के साथ, मेरे बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं। ये आयत थोड़ा सा तंग करते हैं, मेरे बड़े बच्चे बहुत तमीज वाले हैं, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं सागर तंग तो करते हैं। कहाँ पे पड़े हैं? हाँ वो तो रखे हैं, उनको छोड़ो ये तो कटो, वो खड़े होके कटूंगे। दोबारा को वो खड़े होके कटूंगी। हाँ खड़े होके कटूंगी नहीं, उता ते कर आ के उता मैं उठी ते कटे सा कपे सा उते उते कपे नहीं नहीं को उठी कर सा उठी खल सा कपे सा कपे सा आलो। इनको ना मैं कोशिश कर रही हूँ सराके सिखाने की, लेकिन मजे की बोलती है उठी खलसा तक पैसा आलू 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 का पैसा और की को बैठ जाएगा। असा ना उठने हैं तो ना कपड़े हैं, तुसा किस तरह असा की ठाल सो तो किस तरह असा कोई कपास हो सही बैठेगा, असा मरदे मर जैसा इतना उठने उठना तो पैना होता। सारा पानी गर्म थी ना पे, सारा पानी गर्म थी ना पे, सारा पानी गर्म थी ना पे। आलू मैं खरीदी करी है, आलू मैं दोनी खरीदी आलू मैं तो ये नहीं करिया, ओ ओ ओ आलू मैं ग्रेवी कर, आलू मैं दोनी कर लेनी है। ये भी स्नैकी की ट्राई हो रही है, तो दुआ करें स्नैकी फुल जो है ना मैंने इसको सिखानी है, ये जो 2.5 मंथ रह रहे ना हमारे पास, तो मैं इसको फुल स्नैकी सिखा दूँ। 2.5 मंथ का मतलब है 2.5 दिन। ढक्कन दे दो, ढक्कन दे कुत्ते बह जो ढक्कन दे। ये हमारा सोना जा सुठो ढक्कन, सोना जा प्यारा जा। अच्छा इसको अभी दम पे लगा दिया, उसके बाद हमारे लायक काम है तो फिर करते हैं, वरना हम। अच्छा वो मिसाला तो काटो, मिसाला नहीं काटना यार, मिसाला नहीं इसमें डाल, मिसाला नहीं डालना, वो ऐसे बनाएंगे मिसाले के बगैर रेसिपी बना रहे हैं आज अल्लाह के बंदे। ये टमाटर नहीं इसमें डालेंगे, प्याज नहीं डलेगा, ये बस ये सालन होता है जो इनकी मर्जी चटनी बनाए, ये लोग रायता कहते हैं, हम लोग चटनी कहते हैं, वो बनाए तो इनकी मर्जी, ना बनाए तो इनकी मर्जी चटनी नहीं। जैसे हम शोरे वाले आलू बनाते हैं ना, वो जैसे आपने ये काटे हैं इसी तरह ये आलू होंगे या इसको कूटेंगे आप? ये जैसे बनेंगे ना, जैसे बनेंगे आप फिर आपको पहले कैसे बताएंगे ये क्या चीज है, बनेंगे तो फिर आप देखेंगे, हम खुद भी देखेंगे, बहन वालों को भी दिखाएंगे।
ये बहुत मजे के थे। ये ना वो जो दांत साफ करने वाले नहीं होते थे उसको कहते हैं तीलियां, उससे खाते उठा उठा के। मगर हम तो रोटी के साथ खाते हैं ना, अब वो कौन खाता रहे, ये शाम की चाय के साथ सुबह के नाश्ते के साथ इस तरह खाते हैं। मगर हम चम्मच है गंदे नहीं है लाजमी इसके साथ भी करो। नहीं, हम रोटी के साथ खाएंगे ना। हाँ, रोटी बने साथ है उसने रखा है ऐसा। अगर रोटी बने साथ, हाँ बने साथ, बोला हूँ देना खाओ साथ, बोला हूँ देना खाओ साथ, खाओ साथ, खाओ साथ। मान साढ़े आलू बल देख ले ना, बोला इन्हें बाज रहा ना, पता नहीं कुटे सी जाए चुके रहे थे। उसके बाद मुझे पता नहीं है कि क्या करना है इसको। सिस्टर जी जब गल जाए उतार लू। तो अभी चेक करते हैं ऐसे ही हुआ खड़ा होगा। चम्मच का है पता नहीं हमारा। ये क्या है? ये आलू का छिल है। नहीं अभी तो बिल्कुल सख्त है, बहुत ज्यादा सख्त है, गले भी नहीं है। इनको थोड़ा सा नमक डाल के जल्दी गल जाएंगे। चलो जी अभी दम पे लगा लेते हैं, देर नहीं लगेगी, ये दोबारा से है ना गल जाएंगे। चलो जी वो सुराग भी बंद कर दिया, जल्दी से गैस बंद होगा गल जाएंगे। ओ माशाल्लाह, ये देखे हमारी बादी बना कितने सारे निकले। ये बादी बना है इसलिए मैं इसलिए भाई काट के इस तरह डालती हूँ। बाद ये देखें हमारे हाफ बॉयल आलू है, छुरी हमारी अंदर भी जा रही है। वो तो जाहिर बात है छुरी उठाइए, वो तो कच्चे आलू को भी यूँ करेगा तो अंदर चली जाएगी। हमने नरम से इस तरह करना है। ये तो सब बहनों को पता होगा जो घरेलू है खाना जो बनाती हैं। ये क्योंकि फिर दही में ज्यादा गल जाएंगे। अब इसको ठंडा करने के लिए मुझे उठा के लेके आए, कहते हैं आज सालन बना रही है बगैर मिर्चा ते व्यापते फलाना। मैं कि जेड़ा आज मुंड बद्दी करी है ना, पता नहीं रू डें दी है भाजी बनती है कहीं नहीं चखदी। क्या ओ जेड़ा मुंड बद्दी करी है भाजी पके नहीं करी। मैं कह या खावा भी होवे सही चलो अल्लाह करे रूडे भी ऐसा था तो चलो मिर्चा लून घ्यो बच्चा थी ना। हाँ अल्लाह करे हो वे खावन दी। नहीं अगर सही हो जंदा रोज लाई में खोसी मैं बचत कर रहा सी आके मैंने भैया बम चढ़ाई है बचत करो बचत करो। ये सब पिक्का करा पके दी खावन दी बचत नाल फिर हो जाएगा कुछ इससे नहीं होता। मुंशी भाई कह रहे बॉल मैं तुमसे कह रहे कल। ये क्या है? ये वो सूखी मेथी नहीं होती, ये वो साफ कर रही हूँ। ये बड़े बड़े ठंडे सूखी मेथी में नहीं अच्छे लगते, ये थोड़े से बस खुशबू के लिए। ये हमारा हाँ वो स्पून इधर होगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये कलर के लिए ठीक है, कलर के तो अगुत है लाल मिर्चा। लाल मिर्चा कौन सी मिर्चा? लाल वाली। लाल वाली सुई गोट, सुई गोट ए लाल वाली। नमक तो मैं ढेक सकती नहीं हूँ, ऐसे दिखावे की तरह का कह रहे पेवे ना। ए लाल वाली मिर्चा, अब मिर्ची मुझे आप लोग टेस्ट ना डलवाना।
आपने आपने तो उधर पका अच्छा खाओ सुधा तो जीवन ऐसे ही उठा वैसे इतनी बड़ी आपने तो उधर पका बस इतनी मिर्चे बहुत है क्योंकि हरी मम्मी क्या खाकोड़ियाँ हरी भी डालनी है ना मम्मी क्या खाकोड़ियाँ नहीं मैंने तो चखी हुई मुझे पता है नहीं है कौड़ी क्या नहीं कौड़ी नहीं मैंने पिछले मसाले तैयार हो गए कश्मीरी लाल मिर्च नमक हल्दी कसूरी मेथी और धनिया अजवाइन इसको बाहर चिरपाई पे रख के तो हम इसको ठंडे करते हैं क्योंकि अंदर ठंडे नहीं थे हो रहे बाहर ठंडे करते आज बार नवी रेसिपी बन दी पिए सारे बहन भरावो कट्ठे थी है जिमे सारे गवाम कट्ठी थी है ये रेसिपी देखण वास्ते ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਪਈ ਦਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਲਾ ਕੁਝ ਨਾ ਥੀ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਮੇ ਐਲਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੁੰਡਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕਾਲੂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਆਏਗਾ ਚਲੇ ਹੁਣ ਇਹ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਪਈ ਦਹੀਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਉਹਨੇ ਮਨ ਬਾਬਾ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮਾਨ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਤੀ ਹਾਂ ਮਾਨ ਕੇ ਬਾਬਾ अच्छा मान के बाबा भाई अब्दुल रहमान के बाबा अच्छा माशाल्लाह पहले जब शादी हमारी हुई थी उस टाइम मियां जी थे अब हम बन गए मान के बाबा ये ना तरिया लेने पहले ऐसे प्यार से बुला के शादा कर लेती हैं उसके बाद फिर ईमान ये थोड़ा अरसा देर करो फिर आपको कुछ और बुलाएंगे पता हो जाता है हमारी है फिर कहेंगे फिर कहेंगे एक्सपायर बाबा ये मैं 100 की लेकर आया कम कर लो फिर और मंगवा लो दही निकाल लो चलो रेसिपी अच्छी ना आलू अच्छे ना हुए तो दही से कहा रोटी तो खा लेंगे हाँ रू ना देती चलो दही तो पई होती भूखे तो कहना मर तू चीनी के साथ खा लेना ना चीनी नाल नहीं खाते हम लम्मक नाल खाते हैं लम्मक नाल खाते हैं इतना दही नहीं तो पूरा खानदान बह के खावे खवे कोई नहीं बोक कनवार के ठक ठक ते बड़े सी ठक ठक ते बड़े सी आज मेरा हाल है तुसी मेरी सुहानी की ना वो सराय के सहा दे सो हां सिखा दे सो इन ए पे पे आपने ने मियां की हमारे में पे उसको कहते बाप को क्या आप लोग पे कहते हो ना मियां पे नहीं पाए पाए रहमत करी मेरा मौला मेरा मौला लेंदी खड़ी है देखो सारे ये जैसे टिक्के मसाले का मसाला होता है रोटियों को कुर्बानी पे मतलब चलो देखती रहो हम बनाएंगे फिर अगर हुई मजे की अगर ना हुई कसम उठाएंगे हम ये कभी नहीं बनाएंगे और ना कभी जिंदगी में अपने घर किसी को बनाने देंगे ये तो आपके व्यूअर्स बताएंगे ना मजे की है कि नहीं है वो कौन सा खाएंगे खाएंगे नहीं देखने से भी पता चल जाता है ओ भाई आलू वो ठीक है ना पनवे आलू ओ आलू हमने देख दिए हैं दही में ढक दिए हैं हाँ जी तो आप इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके फिर घी में बॉईल करना है क्या हाँ जी घी में बॉईल जो घी में बॉईल हो रहते हैं तो हम पानी में ना करते सही वैसे ही कहा क्या है ये मेरे ख्याल में आप रेडी हो गया बस खाना है अब आज हमने क्या बनाना था वैसे दम वाले आलू कोयले के दम वाले आलू नहीं अच्छा। जो रात हमने फैसला किया था आपने और मैंने वो वाला कहाँ भर गया वो प्रोग्राम भर गया क्या किया था फैसला जो रात हमने सोचा था वो मुझे बताइए ना क्या रात हमने सोचा था हम बनाएंगे दही भले तो वो प्रोग्राम भर गया चलो गुड़कियाँ लाओ इसी में डालो चमचे लो शुरू हो जाओ ये जो आपने वो मिर्ची डाली है वो ऐसे कच्ची वो कच्ची नहीं होती ना वो कच्ची होती है उसमें कच्ची डलती है दही भले में भी कच्ची डलती है ऐसे मिसाला बनता है उसका भी अच्छा नहीं पता दही भले वाला वो यही मिर्च है मैंने बनाया नहीं ये लेकिन मुझे सब चीजों का पता है कि कैसे दही भले नहीं बनाए नहीं कभी भी नहीं बनाया बनाते हुए सारा दिन है आसाम है हां मैं मुंशी तेरी ढोलकी बजावा कहां गए थे आप इधर ही था
सब की बजेगी इंशाल्लाह, दुआ करो आपकी पेपरी तो ऐसे ऐसे मंगवाया था उसने कहा हमारे पास नहीं होता ये आम चोर, वो ढक्कन है इसके ऊपर ढक्कन, हमारे चौक पे बड़ी दुकान है एक है उससे नहीं मिला आम चोर, वो मेरे ख्याल में खान यहाँ पे। पहली बात ये है यहाँ पे आम लगे होते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी ज्यादा होती है, चोर नहीं आते। आप कहते हैं आम चोर ले आओ आम चोर, अब आम चोर कैसे लेके आए? अब हम चोर को खुद अपने घर लेके आए, वो भी एक आम से चोर को, इधर नहीं मिलता भाई आम चोर नहीं मिलेगा। आप लाहौर से कोई आम चोर ले आते तो नहीं, आम चोर नहीं मिलेगा, ये नहीं कहो सही हाई लेवल का चोर मिलेगा। हाँ तकड़ा चोर बोल रहे हो। खैर नाक पे कपड़ा नहीं तिकड़ी, ये दाढ़ी रेसिपी है। अभी जो उसने नाक में कपड़ा डाल लिया ये रेसिपी अच्छी होगी आप खुद बताएं। अच्छा अच्छा मैंने कहा शायद आपको ना अच्छा अगर हम खड़े हो जाएं फिर उसको दम नहीं आएगा। बाय बनो सारे इनके ऊपर दम लगाना है वो इस वजह से मसाले धस जाएंगे। धस हां जी बेनिक आलू के अंदर मसाला मिसाला आग मिसाला रल वेसी हां रल वेसी हां रल मिल वेसी। हां ये तेरा फ्यूज है एक बार खेल ना वेसी। तो जी अभी जो है ना माशाल्लाह से भाभी आ गई है एक साल पत्नी दो साल के बाद। पिछले रमजान में अफ्तारियां कर रहे आपको बताया था थोड़ी सी आपने दही निकाल के ना लहदा रख दी है हमें का खावण दी होसी तो खोखरा दे दही ना रोटी खावण होसी क्योंकि जे बनावण वाली है वो हर तक नाक नहीं कर सकती है। मिर्ची का डब्बा खोला तो नाक में मिर्ची का नहीं मैं का जो बनाने वाली है जो बनाने वाली है उसको इतनी ज्यादा स्मेल आ रही है तो वो ऐसे नाक को ऐसे बंद करके काम कर रही है हम कैसे खाएंगे। नहीं 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 ये झूठ है वो मैंने मिर्ची का डब्बा खोला तो वो नाक में ये तो पता चलेगा ना आप खाएंगे या छोड़ेंगे ये तो कब पता चलेगा। ये तो अभी फैसला नहीं है ना ये तो जब खाएंगे वो तो हमने कहा उस टाइम हम बताएंगे। अच्छा काफी कमेंट आ रहे थे कि जो खाना खाते हो फिर तारीफ भी किया करो तो उसका ना तारीफ के बराबर तारीफ ये भी बताया करो कि अच्छा है या नहीं है। अच्छा भाई चेक करके बताया करो हमारी भी हमने फिर क्या हमने कहा भाई खाना होता इतनी अच्छा है जैसे आप हमारा व्लॉग देखते ना लाइक करना भूल जाते हैं ठीक है वो इतनी अच्छा होता है चलते चलते खत्म हो जाता है लाइक करना भूल जाते हैं ऐसे ही हम खाना इतनी अच्छा होता है खाते खाते भूल जाते हैं तारीफ भी करनी है। नहीं नहीं आज लाइक करना है आपको मेरे खाने को देख के। हाँ वीडियो को लाइक आएगा तो हम समझ जाएंगे खाना अच्छा है। बिल्कुल ये बात सही आपने कही है कि जितने लाइक आएंगे इतना पता चलेगा कि खाना अच्छा बना है। चले इन्हें आटा लो इन्हें ये क्या रोटी के साथ खाएंगे नहीं बोटी के साथ बोटी के साथ। अच्छा मैंने समझा शायद ये ऐसे चम्मच के साथ खाएंगे लेकिन अभी पता चला कि हम रोटी के साथ खाएंगे। क्या बात है ये क्या जिंदगी में ये पहली बार रेसिपी जो है ना हम बना रहे हैं और पहली बार हम खाएंगे। भाभी लोगों से ले आई हूँ थाल अपनी खाला के घर से आपको रुक
जा भाई मसरूफ क्योंकि कल पता नहीं क्या डंडा लेके कूट रही है माशाल्लाह। डंडे से कूटेंगे क्या थोड़ी सी कूटेंगे। अच्छा इसकी आवाज आपने सुनी है किसकी तरह है आपको याद आया? मलका नूर जहान की। नहीं 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 वो हमारी एक और सिस्टर थी यूके से उसका क्या नाम था? नहीं 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 रिफा सिस्टर नहीं वो है अपना वो जो पहले बात होती थी पहले बात होती सन्ना हाँ सेम आवाज है सन्ना की और इसकी सेम आवाज है। मैं गेहूं सटे नहीं पिया फिर अदरक ते थूम सटे सा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाह थेरे बेबा पीछे आ जा रे थेरे थेरे उसमें दूध गिरा हुआ था मुझे पता नहीं था कि उसके नीचे जो है ना गिरा हुआ है वो मैंने निकाला तो यहाँ पे गिर गया सारा। दे आपको डालेंगे ना सुनहरी का गुलाबी क्या ना करे थे रत्ता करे थे सुनहरी करेसी गोल्डन सोने का करेसी उसके बाद इसमें आलू की करेसी। चले जी अभी माल डालने का टाइम आ गया अब जो हाउ बॉइल थी इसी दही के पानी में ये गल जाएंगे। अच्छा जी वाह ये तो घी रंगत वाला हो गया क्योंकि ये दही वाला था ना। अब खाएंगे तो पता लगेगा ये मसाला बनेगा जो दही है ना ये गुठलियाँ बन जाएंगी। अच्छा हाँ जी आलू साबित रहेंगे या गल जाएंगे? गलेंगे। अच्छा इन्हें पीसना नहीं है। सही है हाँ जी अब इसको ढक देते हैं। अभी जी इसको जो है ना दम पे लगा देते हैं। क्या रेसिपी बनाई है जी क्या रेसिपी बनाई है? अभी तो पार्टी शुरू हुई है अभी तो पार्टी शुरू हुई है इंशाल्लाह कुछ और बनाएंगे कल कुछ और बनाएंगे ऐसे बनाते रहेंगे। और सुना सलीम तो गुथे गुथे गई है ओ माशाल्लाह इतनी सोना सोना धनिया क्या बात है। आज भाई लेके आया ना? हाँ वो बताया था ना मंडी से ले आना। चले जी माशाल्लाह अभी काटना शुरू है। कितना काटना है? थोड़ा सा मामूली सा इतनी काफी है ये तो ज्यादा है। ये डंडे निकाल देना। हाँ डंडे निकाल के बाकी आपको ये पूछड़ दे देंगे ठीक है पांद पांद दे देंगे मोंड कप गिनसु पांद दे दे सते को। हाँ मोंड कप चले जी मोंड कप गिन पांद दे दे बस ठीक हो गया। मैं मोंड कप से पांद दे दे पांद कप से मोंड दे दिया ठीक है। अभी जो है ना रेसिपी में जो कुछ डाल रहे हैं वो आपको दिखाता हूँ। ये कोयले इन्होंने ना छोटे छोटे कोयले लेके आए हैं वो एक ही बड़ा कोयला होता है जिसको गर्म करना पड़ता है। ये पिदे पिदे निकले निकले। अच्छा तो बड़ा कोयला हो आसानी भी होती है। अब ये मुझे थोड़ा सा मसला होगा ये कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला साथ देंगे अल्लाह इज्जत रखेंगे। ये कोयले इसके अंदर डालेंगे? हाँ जी फिर ये आपने कोयले खाने कोयले निकल जाएंगे इसका दाम लगाना है बस ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है।
और कोयले जो है ना उधर से आग लगा के बैठी है, पता नहीं अब कोयले इसमें डालूंगी वो फिर बाद में गौरे नहीं लगी है आपके घर में फॉइल पेपर नहीं है? नहीं है ये सब और हाँ, हाँ। बस काफी है। ये हमारा गरम मसाला और काली मिर्चे और सूखा धनिया खुशबू के लिए। अच्छा खुशबू लगा कर। अच्छा आज मुझे इतनी मदद की खुशबू आ रही है, ऐसे लगते जैसे वाइफ कढ़ाई बना रहे हैं। वाइफ कढ़ाई? वाइट। अच्छा अच्छा मैंने कहा वाइफ कढ़ाई। वाइफ कढ़ाई मैं खुद सुनकर परेशान हो गया। वाइफ वाइट अच्छा वाइफ हस्बैंड कढ़ाई मैं रिश्तेदार को क्योंकि असल में रिश्तेदार है ना ये। हाँ जो चूल्हे पे पक रहे दिन को फोन के खाते है थोड़ा सा निकाल। ये कोयले ऐसे नहीं डालेंगे, किसी चीज में रख के डालेंगे, कटोरी में रख के डालोगे। चिमटा 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 है चिमटा था चिमटा किधर है सबा? ये मेरे पास है, ये पास में ये थे चिमटा था वाला। ओ ओ ओ सुड़ा सलीम मैं चिमटा लेके आया। नीचे इतनी गर्म है क्या? गर्म नहीं, ये बहुत छोटे छोटे से ना ये कोयलों के काके हैं। ये ना कहती है एक होता बड़ा कोयला होता है, वो जो मिलते हैं ना जो खरीद के लाते हैं वो वाले। ये तो घर में बना लिए ना हमने। नहीं ये कोयले खरीद के लाया था। ये क्यों खरीद के लाया अभी तू कचरा? तू एक कोयला ले आता बड़ा बस। वो नहीं था, वो लोहार ने दिया है मुझे। ये वो लोहार के पास ही होते बड़े कुमार से ले आते कुमार लगी थी अभी ना ये दरमियान में रखे। गरम है किसी चीज से। अभी बस इसमें फॉइल पेपर रखने होता है, कोई मसला नहीं होगा। ये तता हो गया तो कपड़े वाले पकड़ो। ये देखें ऊपर कपड़ा लगा लेंगे। अब इसके ऊपर कपड़ा, अब जब तक इसमें धुआं नहीं खत्म होता आप ये वाह सलीम तुमने रेसिपी बनाई है। आज ये वाह सलीम तुमदा डी रेसिपी बनाई है। हम जब खाएगा तुझको याद करेगा। वाह जी वाह सलीम तुमदा डी रेसिपी बनाई है। सड़ जाओगी यार। अब हटो मैं चाहती हूं। अब हटो मैं चाहती हूं। चाहती हूं उठाती हूं चुकैनी है। चले इसको नीचे उतारते हैं अभी इंशाल्लाह। अल्लाह बेहतर करेगा जी। खुशबू तो अभी से आना शुरू हो गई है। खुशबू लगा सीख कबाब बना दी। ओ सिलेंडर से कपड़ा हटा। ओ आग लग गई। नहीं लगती क्या डर रही। अच्छा सीख कबाब जैसे होता है और क्या होता है वो जो हम खाते हैं अभी लोल में? हाँ लोल में टिक्का बड़ी सीख कबाब शामी कबाब। हाँ मैं बनाती हूँ ना, मगर वो फिर लकड़ियों में बनाएंगे, इसमें बहुत लगेगा। लेकिन नहीं कल हमने सिर्फ दही बल्ले बनाना है। अच्छा अभी सारा सामान लेना है, सुबह लेंगे। चने ला के भिगो दो ना, फिर वो जल्दी तो रखे हैं सफेद वाले। हाँ बस वो भिगो दो। और फुल्कियां उनको भी तो भिगो के रखना। जो लानी है तो तब भी मैं बनाऊंगी। चने आप कौन से बड़े फुल्के के लिए? छोटी छोटी फुल्के वो छोटी जो होती है वो डालनी है। इधर जाते हो फड़ी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना जो है ना वो रेडी हो चुका है, मतलब सालन। और रोटी मैंने पका ली है। ये देखें सालन एक बार दिखाएंगे ना कैसा बना है वो तो दांत जब खोलेंगे ना दांत खोल के दिखाएंगे। आप भी जान के आ रही है यहाँ पे बैठो और मैं सालन डाल के देती हूँ, रोटी बना रही हूँ। पहले टेस्ट चेक करो फिर बताओ उसके बाद। अच्छा वो टेस्ट करते करते भी सारी खा लेंगे। नहीं आप चले बैठो। नहीं दो तीन आलू डाल के देंगे, फ्री नहीं करेंगे किसी को भी। दो तीन आलू भी जैसे एक निवाला खा लो पानी पी लो तो बस छुट्टी। ये भी हो
नहीं खाना वही तो होता है जो बंदा खा लेता है। कोई नहीं, आप बैठ के फिर खा लेना, बैठ के एक दफा खा लेना। चलो आप कहती हो कि अभी खा के चलो, जज साहब मैंने जज साहब नहीं, मैं समझ गया, अगर वीडियो बंद हो जाएगी ना फिर हम भूल जाएंगे कि कैसा खाना है कैसा नहीं, बताना भूल जाएंगे ना। वो कहती है अभी खा के बताओ कि कैसा है, हौसला अफजाई करनी है, हौसला अफजाई करनी है। हौसला अफजाई आलुआ में जिस टाइम खोल सा ना उस टाइम जरा के बनाया, बेगम ने देखे आलू बना लिए। उधर देखो पता नहीं बच्चे कहाँ चले गए भाई, आप नींद कहाँ करने दी यार इन्होंने मुझे। जब ये सो रहा था ना इसकी पिक्चर लगाई मेरे पास है, आपको दिखाता हूँ। चलो दिखाओ मैं कैसे सो रहा था, जिंदगी में पहली बार देखूंगा जी मैं कैसे सोता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी जो है ना हम दम खोल रहे हैं, होते देखे बीज में कोयले रखे हुए थे, क्या बात है। समुंदरी में रखने का क्या फायदा मिलता है, खुशबू आएगी, इस तरह खुशबू आएगी जिस तरह हम सीखे खा रहे, बस सस्ते में महंगा काम है। हाँ हाँ सीखे हैं वाकई, बिल्कुल सीख की हवा है वो, जो हम वो खाते थे सूखा माल, हाँ जी खुद सीख की हवा है वाकई। क्या बात है, सीख कबाब, सीख कबाब मुझे इधर से कटोरी दो, मैं आलू वाला सीख कबाब। हाँ ये गिलास नहीं तोड़े, कितने कितने गए वो पकड़ कर, वो क्या वो, खुदा बचाए मेरे भाई। चेक करूं बताऊं कैसी है, ये और तरीका है, ये बाद में फ्राई हुआ है सिर्फ घी में, बस पहले ये सारा मटेरियल लहदा था, पहले बॉयल कर लेना इसको, ये चम्मच खुली प्लेट इसमें क्या मजा आएगा, इसको मिक्स कर ले या ऐसे ही बस मिक्स करो, सही है बस कर, तेज चेक की कर रहा है बस कर, इसको ढकना लगाओ, वो प्लेट निकली, इसको थोड़े साइड पे करो ना, इधर बैठो वहां के कैसे खाऊंगा। चलो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जज साहब ये थे खा आप रहे, कोई नहीं वकील भी होता है जज का। अब टेस्ट देखो कि मैं है, बिल्कुल वाकई ऐसे लगता है, ऐसे लगता है वाकई ना बिल्कुल हम सीख कबाब खा रहे हैं। आपका थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी रेसिपी बना के दी, हम जो है ना आपकी बनाई हुई तमाम रेसिपी को ना हमेशा याद रखेंगे। माशाल्लाह उनके घर में आपने वो जो पुलाव बनाया चिकन पुलाव, इधर फिर कढ़ाई बनाई थी, उसके बाद फिर ये माशाल्लाह बनाया, छोड़ के जा रही है, हाँ जी कोशिश कर रही है कि दोबारा बार बार बुलाए ना। नहीं दोबारा नहीं हम आ सकते, आप भी बड़े औखे आए। क्यों आने आते जाते रहना, आते जाते रहने से ना सियात बंदा स्मार्ट हो जाता है आने जाने से। दाना पानी लिखा हुआ दोबारा इंशाल्लाह जरूर आए, इंशाल्लाह आप जब नेक्स्ट आएंगे, नसीब आपका लिखा है ना, आप जितनी मर्जी कोशिश कर रहे आप जरूर आएंगे इंशाल्लाह। हम तो कहते रोज आएंगे, रोज आएंगे। वो तो कहते मैं घर भी यहाँ पे ले लो, इंशाल्लाह घर तो बांध रहे ले लो। हाँ मैंने कहा है, मेरे को बैठ जो घर बांध रहे, कहती थी मेरे मियाँ जो है ना वो नहीं मानते, ये मियाँ का सारा काम है ना, हमारा वहाँ पे दिल लगा हुआ है ना, क्या कहें आपके मियाँ का वहाँ पे दिल लगा हुआ है। एक मिनट ये देखिए ना, जिस मोहल्ले में हम रह रहे हैं मैंने इसे कहा है कि हमारे यहाँ एक चक्री रोड है, मैंने कहा हम उधर जाके मकान लेते, नहीं नहीं मैं इस मोहल्ले से नहीं निकलूंगी मेरा दिल लगा हुआ है। अब मेरा वहाँ पे दिल लगा हुआ है तो फिर आप यहाँ पे एकदम से आना मुश्किल हो जाता है ना। नहीं वो उसी मोहल्ले के करीब जाएंगे जाहिर बात है फिर वो मोहल्ला तो याद आएगा ना, तो फिर जाने तो नहीं ना होता घर से निकलने, वहाँ पे हमें 10 साल हो गए रहते हुए, तो वहाँ से मैं किस तरह निकलूँ, हम जिधर भी गए दोबारा उस मोहल्ले में वापस।
वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तो हमको तकरीबन 40 साल अभी जो है ना इंशाल्लाह ताला ये खाना शाना खा रहे हैं, जिसने खाना आके खा सकता है। अभी फिर इंशाल्लाह टेस्ट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर दस्तरखान लगेगा, खाना खाएंगे सब। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए ताकि मैं जल्दी से खा लूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, साबिक भाई जिंदाबाद। इस बहन के लिए आपने वीडियो को लाइक भी करना है और नबीला राशिद व्लॉग को जाके सब्सक्राइब भी करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बाय बाय जी, बाय बाय।